इस गणेश चतुर्थी पर आप मोदक अपने हाथ से बनाइए। गणपति जी तो खुश होंगे ही, साथ ही साथ घर वाले भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसमें टेस्ट के साथ साथ आपके हाथ का प्यार भी होगा। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज मैं बनाने वाली हूँ केसर पिस्ता मोदक, क्योंकि गणपति जी को मोदक बहुत पसंद होते हैं, और यही मोदक हम घर पे बनाएं तो उस मोदक की बात ही क्या है। मोदक बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई, कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक कढ़ाई ही लें। उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दूध और घी अच्छे से ये मिक्स हो जाए। अब हमें चाहिए मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हमें 1 कप दूध में डालना है 2 कप मिल्क पाउडर, लेकिन मिल्क पाउडर हमें बहुत ही स्लो स्लो डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने और जो हमारा मावा बनेगा वो एकदम स्मूथ बने। आप एक साथ सारा डालेंगे तो लम्स बन जाएंगे और वो दानेदार हो जाएगा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। आप चाहें तो एक विस्कर की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं ताकि इसमें बिल्कुल लम्स ना बने। आप इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें। अगर हाई फ्लेम करेंगे तो ये जल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी। वैसे तो मिल्क पाउडर की अपनी मिठास होती है, लेकिन जो हमने 1 कप दूध डाला है उसके लिए हम 2 चम्मच चीनी इसमें डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी वनीला एसेंस 1 ड्रॉप, ताकि इसमें वो दूध वाली खुशबू ना आए, एकदम बाहर जैसे बने। और डालेंगे हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इसे हम चलाते ही रहेंगे ताकि ये नीचे से तले से लगे ना। और इसमें डालेंगे हम कुछ केसर के धागे ताकि इसका फ्लेवर भी आ जाए केसर का और इसका कलर भी आ जाए। ये देखिए, अब काफ़ी ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लास्ट में 1 चम्मच घी। क्योंकि मिल्क पाउडर का अपना कोई फैट नहीं होता, इसलिए हमें इसमें घी डालना ज़रूरी होता है। और लास्ट में हम जब घी डालेंगे तो देखिए एकदम इकट्ठा होने लगा है और इसने कढ़ाई भी बिल्कुल छोड़ दी है। इसका मतलब हमारा मावा सेट करने के लिए एकदम रेडी है। हमें इसे बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं छोड़ना। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी का हमें मावा रेडी करना है। हम इसे बॉल में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। हम बना रहे हैं यहाँ पे केसर पिस्ता मोदक। इसके लिए पहले हम पिस्ता को क्रश कर लेते हैं। मैंने लिए हैं 2 चम्मच पिस्ता और इसे चॉपर में हम चॉप कर लेंगे। हम इसे मिक्सी में नहीं ग्राइंड करना, ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा। चॉपर में हमें दरदरा सा हमें इसे काट लेना है। ये देखिए पिस्ता हमारा चॉप हो गया है। कोई कोई बहुत पतला है, कोई दानेदार है, इसी तरीके का पिस्ता हमें चाहिए। अब हम इसमें 2 चम्मच भर के पिस्ता डाल देंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए ऊपर से बचा देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए काफ़ी ये ड्राई हो चुका है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा लिक्विडी है तो आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा देर भी फ्रिज में नहीं रखना। इसे हम सेट करते हैं, मोदक बनाते हैं इसके। पहले एक मोदक का मोड़ लेंगे हम। इसे अच्छे से घी से हम पहले ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए, आप किसी भी तरह का मोल्ड ले सकते हैं, सिलिकॉन के भी आजकल आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। फिर हम एक छोटा सा पेड़ा लेंगे इसमें से और इसके दोनों तरफ लगा देंगे और इसे हम बंद कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए सील कर देंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मावा है वो हम यहाँ से हटा देंगे। और अब हम इसे खोलेंगे तो हमारा मोदक एकदम रेडी है। देखिए कैसे पिस्ते नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। हमारा केसर पिस्ता मोदक एकदम रेडी है। मैंने यहाँ केसर पिस्ता मोदक बनाए हैं। आप चाहें तो उसमें बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो डाल सकते हैं। ये देखिए बातों ही बातों में हमारे सारे मोदक रेडी हो गए हैं और इसके ऊपर हम पिस्ता इस तरीके से छिड़क देंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं। एक इस तरीके से पेड़ा लेंगे और आप उसको ऊपर से इस तरीके से छोटी सी चोंच सी बनाएंगे और एक कांटे की हेल्प से आप इसे कट लगा दें। नहीं तो आप इसे पेड़े की शेप में या लड्डू की शेप में या बर्फ़ी की शेप में भी बना सकते हैं। केसर पिस्ता मोदक हमारे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आइए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं। इसे खाकर गणपति जी तो खुश ही हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।
वीडियो में।